जियो सिनेमा पे जब आरपी सिंह और सूरज रैना कमेंट कर रहे थे, तब आरपी सिंह ने सूरज रैना को कहा कि महेंद्र सिंह धोनी जो 11 फाइनल मैच खेल चुका है आईपीएल में, उन्होंने अगले साल भी खेलेंगे या नहीं, मतलब कि इस साल ही उनका आखिरी साल है या नहीं। तब जाके सूरज रैना ने कहा कि खेलेंगे। तो इस तरह से उन्होंने अपने एक्स टीममेट यानी कि महेंद्र सिंह धोनी के बारे में लाइव टेलीविजन पर बातें की। हालांकि महेंद्र सिंह धोनी जो कि मुंबई इंडियंस के साथ जो मैच हुआ था वहाँ पे 4 बॉल पे 20 रन बनाए थे, और उस मैच में महेंद्र सिंह धोनी का जो फैंस है उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ताली बजाई, इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म तो की ही, लेकिन एक बॉल जो स्टेयर्स पे पड़ा हुआ था और काफ़ी टाइम तक मतलब वो ना मिलने की वजह से नया बॉल भी मंगाया गया था, तब धोनी जब उस 4 बॉल पे 20 रन बना कर लौट रहे थे तब भी उस बॉल स्टेयर्स पे पड़ा हुआ था, और एक आदमी उसके बेटी को लेकर उस जो दर्शक के लिए सीट होते हुए पे बैठा हुआ था, तो महेंद्र सिंह धोनी को देखते हुए उन्होंने भी और उसके बेटी भी चिल्लाने लगी ताकि उस बॉल उसे मिल जाए। तब महेंद्र सिंह धोनी ने इतना बड़ा प्लेयर होकर भी इस छोटी सी बात पर ऊपर ध्यान देते हुए उन्होंने उस बॉल को नीचे से उठा ली और उस बच्चे के हाथ में दे दी, और इसे पूरा का पूरा जो माहौल था वो पूरा का पूरा महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर चला गया। कमेंटेटर उर्फ महेंद्र सिंह धोनी और सीएसके का एक टीममेट सूरज रैना का इस तरह से होप महेंद्र सिंह के बारे में, ये सारे के महेंद्र सिंह धोनी के जो फैंस हैं उनका दिल जीत ली। ऋतुराज गायकवाड़ जो कि चेन्नई सुपर किंग्स का कैप्टन है, उन्होंने भी उनको जब पूछा गया था कि आप मुंबई इंडियंस के बीच में जो मैच हुआ है उसके जीत के लिए आप किस चीज़ को बेनिफिशियल कहेंगे, तब उस ऋतुराज गायकवाड़ ने भी बताया था कि हमारे टीम में एक बहुत ही ज़्यादा यंग विकेट कीपर बैट्समैन है, उनके लिए ही हम जीते हैं, मतलब कि उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बात की है। क्या आप भी महेंद्र सिंह धोनी को अगले आईपीएल सीजन में भी देखना चाहेंगे, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।